जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि आतंकवादियों ने आर्मी कैंप पर हमला बोला, जिसे सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया है। राजौरी में आर्मी कैंप पर 50 से 60 राउंड तक की फायरिंग की जानकारी मिल रही है। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक जवान के घायल होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां पर सेना ने आतंकियों की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। जानकारी यह है कि आतंकियों ने आर्मी कैंप पर हमला किया। कोमल हमारी सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। कोमल, क्या और अपडेट है आपके पास? बीती रात और सुबह के बीच ये का जो हमला है ये हुआ है, और बताया जा रहा है कि आतंकी हमला हुआ है सेना कैंप में, और इससे पहले भी कैंप में बहुत बार हमला हुआ है, और आज जो हमला हुआ है उसमें एक सेना का जवान जो है वो घायल हुआ। लेकिन ये बड़ी बहादुरी की यहाँ मिसाल देखी गई है कि जवानों ने वापसी जो फायरिंग की है उसमें आतंकी जो है वो घने जंगल में भागे, जो कि हमारे सूत्रों से मिली जानकारी में यही अब पता चल पा रहा है कि घने जंगल है वहाँ कैंप के पीछे, और आतंकियों पर जब सेना के जवानों ने फायरिंग की है, वापस जो फायरिंग जवाबी कार्रवाई की है, तो बाद जो है वो चल के ऑर्डर किया है, और अभी भी सारे एरिया में सड़क चल रही है और आतंकियों को ढूंढने की कोशिश भी लगातार चल रही है। वो इलाका है, इलाके को सुरक्षा बलों ने लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एस की टीम है वो भी मौके स्थल पर गई है और कैंप को भी घेरा है, और वहां पे इलाके को भी घेर कर आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। ठीक है कोमल, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट के लिए आपसे जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यकीनन ये एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के लिए, जहां ये नापाक जो कोशिश थी उसे नाकाम कर दिया गया।